सबसे पहले हमें प्याज को छोटे छोटे पीसेस में काटने हैं, उसके बाद ऑयल में उसको अच्छे से फ्राई करना है। अच्छे से ऑयल में फ्राई हो जाने के बाद इसको हम गार्निशिंग में और मसाले में यूज़ करेंगे। ये बिरयानी मसाले हैं, बाज़ार में आपको पैक्ड बिरयानी मसाला भी मिलेगा और पैकेट मिलेंगे जिसमें ये से रहेंगे। इसको गर्म करके हल्का सा हम इसको ग्राइंड करके यूज़ करेंगे। मैंने आज यहाँ पे वो पैकेट मार्केट से लेके इसको यूज़ किया है। अभी देखिए अच्छे से प्याज हम लोग का हो गया है फ्राई। इसको अभी मैं टिश्यू पेपर के ऊपर रखूँगी ताकि एक्स्ट्रा जो ऑयल होगा वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। चिकन बिरयानी बनाने के लिए हमको चावल अलग से बनाने हैं और चिकन को पहले उसके लिए मैरिनेट करना पड़ेगा। तो चिकन मैरिनेट करने के लिए हम लेंगे यहाँ पे कुछ चिकन, अदरक लहसुन का पेस्ट है, दही, बारीक कटी हुई टमाटर, धनिया, पुदीना पत्ता, यह हमारा गरम मसाला आधा स्पून, ये है धनिया पाउडर एक टेबल स्पून, एक टेबल स्पून लाल मिर्च, हल्दी पाउडर आधा चम्मच और ये सूखा बिरयानी मसाला को ग्राइंड किया हुआ है। और इसके साथ हम लेंगे हरी मिर्च 4 से 5 हरी मिर्च और हम स्वाद अनुसार उसमें ऐड करेंगे नमक। अब हम ये फ्राई किया हुआ प्याज को मैरिनेट करने से पहले अच्छे से मिला देंगे। रेडी हो गया है चिकन, इसके बाद हम इसको 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में डाल देंगे। चिकन बनाने से पहले लेंगे क्या क्या गोटे मसाले चाहिए। इसमें 2 से 3 तेज पत्ता, थोड़ी जायत्री, एक बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 4 से 5 काला मिर्च, 2 लौंग और 1 चक्री फूल। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। अभी हम कढ़ाई गरम होने का वेट करेंगे। हो गया है, थोड़ा सा घी देना है पहले हम लोगों को इसमें। इसमें आप सरसों का तेल मिलाइएगा। चिकन की क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा आप कितना तेल यूज करेंगे। अभी देख रहे हैं तेल अच्छे से गर्म हो गया। अभी हम एक एक करके डालते चलेंगे। सीम कर देंगे गैस को। ये जो चिकन है इसमें पहले से ही अदरक लहसुन सारा मसाला मसाले पाउडर सब कुछ मिक्स किया गया है, तो कोई दूसरा मसाले डालने की जरूरत नहीं है। अभी हम इस चिकन को डालेंगे। गैस को सिम करके 30 से 40 मिनट तक इसको ऐसे ही कवर करके रख दीजिएगा ताकि चिकन अच्छे से बॉईल हो जाए। इसमें कोई दूसरा मसाले कुछ भी पाउडर डालने की जरूरत नहीं है। कुछ टाइम के बाद हम लोग चेक करेंगे, थोड़ा चिकन का साइड बदल देंगे। इसको ढक के 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। चावल को पहले 10 मिनट पानी में भिगो के रखिएगा और इसे पानी को उबलने के लिए छोड़ दीजिएगा।
थोड़ी सी रिफाइंड ऑयल इसमें या सोयाबीन ऑयल कुछ भी आप डाल सकते हैं। इसमें दो इलायची आप इसमें खोल के इसमें डाल दीजिएगा। दो छोटी इलायची हम लोगों ने डाल दिया है। इसमें हल्का सा नमक डालने का, ये हो गया। अच्छी स्मेल आने के लिए ऐसा नींबू लीजिएगा और ऐसे थोड़ा सा बस इसका जैसे छिलका पानी के अंदर जाए और अच्छा स्मेल आए चावल में, एक स्मेल आने के लिए इस तरह से कर दीजिएगा। अब हम चावल को पानी में डालेंगे। ये बिरयानी राइस है, बिरयानी के लिए अलग सा मिलता है। चावल को पूरा कंप्लीट होने के लिए मत छोड़िएगा, थोड़ा सा रहे तभी बंद कर दीजिएगा, क्योंकि चावल को लास्ट में चिकन के साथ ही थोड़ा उबलने के लिए छोड़ना है। चावल को ऐसे छोड़ दीजिएगा, इसके साथ चिकन को भी थोड़ा देख लेना है। देख सकते हैं अच्छे से बॉईल हो गया। और थोड़ा सा चावल अभी भी कच्चा है और 5 से 10 मिनट लगेंगे। साथ ही में आप थोड़ा चावल को देख लीजिए, और ज़्यादा से 2 से 3 मिनट लगेंगे। इसके साथ आप चिकन को इसमें चेक कर लेंगे। चिकन बन गया है कम्प्लीटली। अभी हम चिकन को थोड़ी देर हाई फ्लेम में रखेंगे। चावल थोड़ा सा हो गया है, अभी हम इसको इसमें छान लेंगे। अभी एक डिश लेंगे जिसमें हम थोड़ी सी घी डालेंगे। इसमें हम चिकन और चावल दोनों को अच्छे से एक लेयर देके भाप देने के लिए छोड़ देंगे। घी देने से क्या होता है कि नीचे का पार्ट आपका जलेगा नहीं। और इसमें स्मेल भी अच्छा आएगा घी से। चिकन का ग्रेवी लेंगे, थोड़ा उसको नीचे डालेंगे। इसके ऊपर हम चावल का एक थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे हम लोग। इसमें पुदीना पत्ता है, धनिया पत्ता है
और फ्राइड प्याज। ये मैंने दोनों कलर रेडी किए हैं। आप ये कलर को चिकन के साथ भी ऐड कर सकते हैं और इस टाइम भी दे सकते हैं कि ये कलर को केवड़ा जल में डालना है, को अच्छे से मिक्स करके आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। दोनों कलर देने के बाद थोड़ी सी घी इसमें डाल सकते हैं, घी से अच्छा स्मेल आता है। पाप देने से पहले एक तावे को आप गैस के ऊपर थोड़ा गर्म करने के लिए छोड़ दीजिएगा और उसके साथ ये आटे से इसको साइड से इसे कवर कर दीजिएगा ताकि इसके अंदर अच्छे से भाप आए। देखिए अच्छे से चारों तरफ से हमने इसको अच्छे से पैक कर लिया है। अभी हम इसको तावे के ऊपर रख देंगे 10 से 15 मिनट तक। इसको सीम गैस पे इसे छोड़ते हैं। और ये हमारी बिरयानी रेडी हो गई है।